महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ रेल की पटरी पर प्रवासी मजदूर को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया। औरंगाबाद से जलाना रेलवे लाइन के पास यह हादसा हुआ, जिसमें 16 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा औरंगाबाद जलाना रेलवे लाइन पर शुक्रवार 6:30 बजे करीब हुआ। रेल मंत्री ने इस घटना के जाँच के आदेश दिए हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर अपने घर पैदल जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक मजदूरों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने रेल मंत्री से बात कर घायलों की सहायता करने को कहा है। वहीं इस मौके पर रेलवे की ओर से दक्षिण सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का कहना है कि औरंगाबाद में कमांड के पास एक हादसा हुआ। यहाँ मालगाड़ी का एक खाली डिब्बा कुछ लोगों के ऊपर चला गया। आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। भारतीय रेल की ओर से इस हादसे को लेकर जो बयान जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि औरंगाबाद से कई मजदूर पैदल सफर कर रहे थे। कुछ किलोमीटर चलने के बाद ये लोग ट्रक पर आराम करने के लिए रुके। उस वक्त मालगाड़ी आई और उसकी चपेट में कुछ मजदूर आ गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी औरंगाबाद में हुए रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि औरंगाबाद में हुए रेल हादसे में जिनकी जान गई है, उनसे काफ़ी दुख पहुंचा है। पीएम ने मोदी ने कहा कि इस हादसे के बारे में रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और हालात का जायजा लेते हुए आगे की स्ट्रेटेजी और मजदूरों के साथ पूरी संवेदनशीलता जताई जाए। गौरतलब है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अब राज्य सरकारों की ओर से की गई सिफारिश पर स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलवाई जा रही है। इसी दौरान राज्य सरकार की ओर से जो लिस्ट दी जा रही है, उन्हें ही ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त दी जा रही है। औरंगाबाद रेल हादसे की जांच के लिए रेलवे ने पहले ही ऑर्डर इशू कर दिए हैं। किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ और क्या गलती थी और क्या नहीं, ये पूरी जांच होगी। इसके लिए इंक्वायरी रेलवे ने पूरी तरीके से मुहैया करवा दी गई है। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान भी 5 लाख रुपये का दावा कर चुके हैं। फिलहाल रेलवे की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई की टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। बड़ी और लंबी खबर के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोरोना अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ रेल की पटरी पर प्रवासी मजदूर को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया। औरंगाबाद से जलाना रेलवे लाइन के पास यह हादसा हुआ, जिसमें 16 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा औरंगाबाद जलाना रेलवे लाइन पर शुक्रवार 6:30 बजे करीब हुआ। रेल मंत्री ने इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर अपने घर पैदल जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक मजदूरों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने रेल मंत्री से बात कर घायलों की सहायता करने को कहा है। वहीं इस मौके पर रेलवे की ओर से दक्षिण सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का कहना है कि औरंगाबाद में कमांड के पास एक हादसा हुआ। यहाँ मालगाड़ी का एक खाली डिब्बा कुछ लोगों के ऊपर चला गया। आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। भारतीय रेल की ओर से इस हादसे को लेकर जो बयान जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि औरंगाबाद से कई मजदूर पैदल सफर कर रहे थे। कुछ किलोमीटर चलने के बाद ये लोग ट्रक पर आराम करने के लिए रुके। उस वक्त मालगाड़ी आई और उसकी चपेट में कुछ मजदूर आ गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी औरंगाबाद में हुए रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि औरंगाबाद में हुए रेल हादसे में जिनकी जान गई है, उनसे काफ़ी दुख पहुँचा है। पीएम ने मोदी ने कहा कि इस हादसे के बारे में रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और हालात का जायजा लेते हुए आगे की स्ट्रेटेजी और मजदूरों के साथ पूरी संवेदनशीलता जताई जाए। गौरतलब है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अब राज्य सरकारों की ओर से की गई सिफारिश पर स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलवाई जा रही है। इसी दौरान राज्य सरकार की ओर से जो लिस्ट दी जा रही है, उन्हें ही ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त दी जा रही है। औरंगाबाद रेल हादसे की जांच के लिए रेलवे ने पहले ही ऑर्डर इशू कर दिए हैं। किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ और क्या गलती थी और क्या नहीं, ये पूरी जाँच होगी। इसके लिए इंक्वायरी रेलवे ने पूरी तरीके से मुहैया करवा दी गई है। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान भी 5 लाख रुपये का दावा कर चुके हैं। फिलहाल रेलवे की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई की टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। बड़ी और लंबी खबर के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोरोना अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।